नमस्कार, इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से एक अपाचे बाइक। जी हाँ, कम से कम भी 1 लाख रुपए से ऊपर की बाइक जो है चोरों ने या फिर कहें कि बदमाशों ने किस तरह से एक लड़के से लूट ली। जी हाँ, बात की जा रही है कि बताया जो जा रहा है कि वो शेखपुरा सुहाना रोड पर जा रहा था, अपने गाँव से कंपनी की तरफ काम करने जा रहा था जहाँ पर वो काम करता है। तब लगभग 3 जो है बदमाश आते हैं। सुबह के 7:30 बजे का समय रहता है। एक के पास जो बताया जा रहा है कि चाकू था और 2 के पास देसी कट्टा यानी कि बंदूक थी। जी हाँ, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और कहा जा रहा है कि 2 ने जो है अपना फेस जो है कवर किया हुआ था और 1 बताया जा रहा है जिसने फेस कवर नहीं किया हुआ था। उस लड़के से बाइक रोककर एक बार जो है पूछा जाता है कि कहाँ तक जो है जा रहा था। उसके बाद उसको वो बाइक जो है छीन ली जाती है और उस बाइक पर ही रफू चक्कर हो जाते हैं। आपसे अपील करूंगी वीडियो को लगातार शेयर जरूर करें। जी हाँ, करनाल में बड़ा वाक्य फिर से सामने आए कि आप देख सकते हैं सुबह सुबह के समय ही किस तरह से एक बाइक जो है लूट ली जाती है। आपसे अपील, एक वीडियो को शेयर करें, एक बार बातचीत करेंगे कि क्या कुछ जो है परिवार का कहना है। ऐसा कहा जा रहा है कि लड़के की कुछ समय पहले ही शादी हुई थी और वो बाइक जो है शादी में ही उसे मिली थी। जी मैडम, क्या हुआ था? सुबह 7:30 बजे एक लड़का जो कि संदीप कुमार, तो वो सुबह मॉर्निंग में जा रहा था जॉब करने के लिए गोरंडा, उसमें लेबोरेटरी में। तो बाइक पर जा रहा था, उसका 1.5 लाख से ऊपर का बाइक है, अपाचे बाइक है, अभी दहेज में मिली थी, उसकी शादी हुई थी तब। हाँ, ये 6 महीना हुआ है। तो वो लड़का जॉब पर जा रहा था, वो 3 लड़के रास्ते में उसको रोका वहीं पर शुगर मिल के पास नहर पे। तो उसने बोला क्या बात है, उसने रोका, कट्टा सटाया, बंदूक था देसी कंटपट्टी, हाँ बंदूक ले रखा था, बंदूक सटाया, 1 चाकू था, 2 का कट्टा। तो वो डर से चाबी दे दिया और उसने रोटी का जो थैला था बैग, वो बैग दिया, बैग में पैसा था वो दिया, पर्स मोबाइल सब छीन लिया और उसको मार के वहाँ से मतलब 1-2 लगा के भगा दिया। फिर पैसे होगा 2-4-5 होगा, इससे ज़्यादा नहीं था। हाँ, फ़ोन भी छीन लिया, मतलब छोटा जो भी फ़ोन था, फोन उन सारा उसने ले लिया और उसके बाद मार के 1-2 थप्पड़ लगा के भगा दिया उसको। और तो वो लड़का 112 पर फ़ोन किया तो फिर पुलिस पहुंची वहां पे। तो अब FIR दर्ज हो रही है उसकी। और ये देखो जो कह रहे स्मार्ट सिटी बन रहे हरियाणा पूरी, तो कहां सुरक्षा है? हमारे मुख्यमंत्री जी से मैं यही गुजारिश करूंगी, हर गरीब के व्यक्ति के लिए साथ देना जरूरी है। हर चौक चौराहे पर फुटपाथ जगह में 1-2 पुलिस प्रोडक्शन होनी चाहिए ताकि महिलाएं भी सुरक्षित रहे और जेंट्स पुरुष सारे सुरक्षित रहे। वो मार भी सकता था, अगर वो नहीं देता चाबी तो उसको मार भी सकता। कौन थे उस, एक शक्ल से पहचान लेगा, एक का फेस खुला था, 2 मुंह ढक रखा था। उम्र उनकी वही होगा बस 15, 16, 18, 19, 20 ऐसे ही होगा, मतलब 20-25 तक के, इससे ज्यादा उम्र का बंदा नहीं था वो। चोर भी कम उम्र का था, तो 3 चोर था, हाँ 18-20 के आसपास का था जो भी है। तो उसका घटना का अंजाम दिया, वो अपना जान के बचाने की वजह बच्चा वो चाबी वो लड़का उसको दे दिया। यही बताऊंगी अब वो लड़का आ रहा है। ये नहर पे हुए थे जी शुगर मिल के साथ, और ये इधर से ड्यूटी पे जाते सुबह 7:30 बजे की बात है। तो एक जने रोक के इनको लेफ्ट मांग रहे थे, इसने रोक दिया वहाँ पे गाड़ी, तो 2 जने और आए तो मतलब बंदूक जो भी था अपना लेके उनका गाड़ी छीन लिया, चाबी चुबी अपना ले लिया उनका, पर्स पुर्स मोबाइल भी ले लिए, टिफिन का जो लंच टाइम था उनका वो उठा के उधर साइड में फेंक दिया, फिर वो उठा लिए, फिर उनको 1-2 पता नहीं मारे भी क्या कुछ है, फिर वो रोते रोते घर आए। उसके बाद फिर हम लोग भी गए उनके साथ, फिर उसके बाद अभी कार्रवाई जिनके साथ हादसा हुआ वो उनका 22-23 साल उम्र है जी। हाँ जी, क्या काम करते हैं? वो वहाँ पे जूता का फैक्ट्री, लेबोरेटरी का फैक्ट्री है जी, जॉब है उनका। क्या लगता है ऐसे हादसे होते रहते हैं सर? उधर तो पता नहीं होते ही रहते, महीने में 1-2 बार वारदात होते रहते हैं। मैं तो यही गुजारिश करूंगी हरियाणा पुलिस से भी और हम अपने मुख्यमंत्री से जे भी, जो करनाल में जो बोल रहे हैं स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो ये कैसे बनेगी स्मार्ट सिटी? स्मार्ट सिटी तब बनेगी जब इंसान सुरक्षित रहेंगे, तब असुरक्षित रहेंगे तब बन सकती है। एक दूसरे को मार ही रहे हैं। जो गरीब बंदा है काम करने जाता है उसी को खोस लेते हैं। उनको कोई चोटें भी आई हैं कुछ? उनकी चोट चूट तो नहीं, वो दे दिया, डर से चाबी दे दिया, मतलब हल्का फुल्का मारा होगा, चाबी दे, हाँ छीन के बाइक चला गया। हाँ यही मकसद था उनका, मतलब नहीं रंजिश नहीं थी, मतलब वो बस लूटेरे थे, लूटते हैं जैसे, बाइक लूट लिया, चेन खोस लिया,
किसी का मुंह बांध के जबर छीन लिया, तो ये थी। क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई हम ये चाहते हैं पुलिस प्रोटेक्शन से सख्त कार्रवाई हो, उनके बाइक जो ले लिया है गरीब लोग का बाइक मिल जाए, और दूसरों लोगों के लिए समाज के लिए ये सुरक्षित होना चाहिए ताकि सारे सुरक्षित रहे। चौक चौराहे पर पुलिस प्रोटेक्शन होनी चाहिए, मैं यही कहना चाहूँगी। कंप्लेंट करवाने आए हैं? हाँ, कंप्लेंट करवाने। हम लोग तो समाज से हैं, तो हम लोग समाज के तौर पे इंसानियत के नाम। किसी को देखा है ना? हाँ, वो लड़का जिसने छीना ना, जिसको कह रहा है को मैं पहचान लूंगा, दो तो मुंह बांध रखा था, एक नहीं बांध रखा था। नहीं नहीं, वहाँ पर नहीं रहता, कहीं और रहता है। जैसे आप पकड़े जाएंगे ना, तो वो पहचान लेगा, पहचान कर सकता। हाँ हाँ, इसने ऐसे बंदा था, ऐसे ऐसे कलर था उसका, वो पहचान लेंगे, ये था। तो ये हरियाणा में मतलब फिर सुरक्षित तो नहीं आने जी। देखो गरीब लोग कितना कमाएगा, इतना महंगाई में अगर काम ना करे तो खाएंगे कहाँ, और काम करने के लिए निकलते हैं तो ये बर्दात होती है, तो सुरक्षित तो कहीं भी नहीं है ना। ये चीज होना चाहिए। कब हुई थी बाइक चोरी? आज सुबह मॉर्निंग 7:30 बजे। हाँ जी, सुबह 7:30 बजे। हम तो यही गुजारिश करेंगे पुलिस प्रोडक्शन से, उसके बाइक दिलाया जाए, और आगे के लिए किसी के साथ और होनोनी नहीं हो। कहाँ का रहने वाले? रहने वाले यहीं से है, करनाल से ही। करनाल में ये गोरंडा रहते हैं। हाँ, तो ये यहाँ रहते हैं, यहाँ इनको नजदीक पड़ता है उत्तम नगर गली नंबर 9 में, अभी रेंट पे रह रहा है। घर में कोई काम हो गया होगा या कोई बात हो तो यही रह रहे हैं। हाँ, अभी यही शहर में ही रहते हैं। हाँ, काम लेबोरेटरी में करते हैं। जा रहे थे 7:30 बजे के आसपास, यहाँ नहर पर गया, नहर पर उसको बाइक छीन लिया गया। दो तीन था वहाँ पर, तो एक पहले लिफ्ट मांगा, दूसरे फिर दो दौड़ के आया कनपट्टी में सटा के, और चाकू दिखा के बाइक छीन लिया। बैग और पर्स और मोबाइल था। उसकी मैं मौसी लगती हूँ। वो वहाँ से आया, फिर बताया भाग भाग के फोन छीन लिया, तो फिर तो आया, तो फिर बोले तब सारे यहाँ से अड़ोसी पड़ोसी सारे वहाँ पे गए, तो वहाँ पर सारे पहुँचे थे, पुलिस सार सारे फोन किए थे, सारे वहाँ पहुँचे थे मौके पे। काम पे जा रहा था सर। हाँ, कुटेल के पास एलबेटी का है ना फैक्ट्री, हुए पे एलबेटी। हाँ, इसका वही 21 साल होगा। क्या नाम है? संजीव कुमार। जानते हैं उनको? क्या पहले रंजीश थी कोई पुरानी, कभी देखा हो? नहीं, उसको कभी नहीं देखे थे उसने, ना उसको नहीं जानते। इसलिए लूटने के लिए आए थे, बाइक छीनने के लिए आए थे? हाँ, मार के तो नहीं मारा उरा नहीं, वो सारे कुछ छीन लिया और बस इसको धक्के दे के वो लेकर फिदार हो गए। क्या कार्रवाई चाहते हो?